वरिष्ठ पत्रकार सामाजिक कार्यों में अग्रणी चिकित्सक डॉक्टर एमएस द्विवेदी द्वारा लिखित मेरी आत्मकथा पुस्तक का विमोचन कुरुद कोका रोड स्थित मंगल वाटिका में हुआ। इस अवसर पर राजनीति साहित्य से जुड़े लोगों व्यवसायियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। वर्षों से पत्रकारिता एवं समाज सेवा से जुड़े राजनीति में सक्रिय रहे डॉक्टर एमएस द्विवेदी द्वारा लिखित मेरी आत्मकथा का विमोचन गरिमामय माहौल में कुरुद कोका रोड स्थित मंगल वाटिका में हुआ। विमोचन अवसर पर राजनीति साहित्य से जुड़े लोगों के अलावा प्रतिष्ठित व्यवसायियों सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात डॉक्टर एमएस द्विवेदी द्वारा लिखित मेरी आत्मकथा का विमोचन उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। पुस्तक विमोचन के पूर्व अतिथियों का स्वागत डॉक्टर एम एस द्विवेदी के पुत्र एवं नगर पालिक निगम भिलाई में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, छोटे पुत्र अरुण द्विवेदी, पुत्रियों अर्चना आराधना सहित अन्य लोगों द्वारा किया गया। अतिथियों द्वारा डॉक्टर एम एस द्विवेदी द्वारा जनहित से जुड़े किए गए कार्यों को उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भिलाई निगम के वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा, एम एस द्विवेदी के पुत्र अशोक द्विवेदी, अरुण द्विवेदी एवं नगर निगम भिलाई के कर्मचारी नेता संजय शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं मिथिला शरण द्विवेदी का बड़ा पुत्र हूँ और जो संघर्ष, जो काम उन्होंने अपने किताबों में दर्शाया है वो तो हम देखते आए हैं। जब से हम उनके पुत्र हैं उसके बाद से जो उन्होंने कई परेशानियां, कई संघर्ष, कई तरीके के संघर्ष हमने देखा है और हर संघर्ष में जो उनकी निडरता रही है, जो दृढ़ता रही है, वो दृढ़ता का ही कारण है कि वो उससे हम लोग भी सेफ रहे हैं, हम लोग भी उससे सीखे हैं और कहीं कहीं ऐसा मौका मिलता है तो हम लोगों ने वो दृढ़ता दिखाई है। और ये निश्चित रूप से जितने भी इनके काम रहे हैं, जिनके भी संघर्ष रहे हैं, ये हम जानते हैं और उससे हम लोग पले बड़े हैं। सभी हम चारों लोग, मैं, छोटा भाई अरुण, बट्टो, गुड़िया, ये सब लोग किसी न किसी जगह में उन्हीं की वजह है, जो उन्हीं का आशीर्वाद है जो हम लोग आज एक स्थिति में समाज के साथ में हम लोग साथ में एक कोई न कोई तरीके से हम लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं का आशीर्वाद है और ये हम सौभाग्यशाली मानते हैं, भाग्यशाली मानते हैं और ये कार्यक्रम ये हम कर पाए, ये कर लिया, ये सिर्फ उन्हीं का आशीर्वाद है और इसके लिए हम उनका बहुत 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 मतलब आजीवन हम ऋणी रह सकते हैं, यही कह सकते हैं। ये जिसने भिलाई को बनाया है उस पीढ़ी के संस्मरण का विमोचन के कार्यक्रम में आज हम लोग को उपस्थित होने का गौरव मिला है और ऐसे लोगों के संस्मरण को अगर हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो निश्चित हम भी अपने जीवन में कुछ नया कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे।
नहीं, लंबे समय से डॉक्टर एम एस द्विवेदी को लोग अगर जानते हैं तो समाज सेवा के पर्याय के रूप में जानते हैं, और वो आज चैतन्य अवस्था में अपनी किताब के विमोचन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और उनके संस्मरण से आप अपने आप को जोड़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि भलाई को किस गति से सामाजिक रूप से इन लोगों का योगदान रहा होगा। और हमको इस बात का आशीर्वाद मिला कि हम ऐसे शख्सियत के कार्यक्रम में शामिल होकर हम आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे पापा के जो संघर्ष की गाथा है उनकी पिछले 60 वर्षों की, उसकी बहुत सारी घटनाएं हैं, परंतु उसका कुछ अंश एक किताब के रूप में बाऊजी के आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत है। और ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये आत्मकथा पढ़ करके हम जैसे समय के जो लोग हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर एम एस द्विवेदी जी का जो है, उनका जो लंबा उनका इतिहास रहा है पिछले 50-60 सालों से, उन्होंने समाज क्षेत्र में और अपना जन सेवा में और कांग्रेस सेवा दल से जुड़ के बहुत लंबा काम किया है हमारे भिलाई में, जिला दुर्ग में। तो उन्होंने अपना संस्मरण जब से वो यहाँ आए हैं भिलाई में, और जब से उन्होंने लोगों की सेवा की है और कुष्ठ आश्रम में जिन्होंने सेवा की है, कुष्ठ बस्तियों में जाके, तो उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी। आज उनकी एज लगभग अबव 85 ईयर्स के ऊपर है, और हम लोग काफ़ी दिनों से चाह रहे थे कि ऐसा कुछ कार्यक्रम हो, वो अपने आत्मकथा लिखे, क्योंकि कई लोग जो नई पीढ़ियों को वो चीज़ नहीं मालूम है। तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, और उन्होंने एक बहुत सुंदर मेरी आत्मकथा डॉक्टर एम एस द्विवेदी लिखी है, जिसका आज यहाँ पे विमोचन है मंगल वाटिका में। तो हम लोग सब लोग, जितने भी गणमान्य लोग और हमारा चौथा स्तंभ और तमाम जो है राजनीतिक लोग यहाँ पहुँचे हैं, और हम इसके आज जो है उसके उद्घाटन में हम आए हैं विमोचन में। बहरहाल पुस्तक विमोचन के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।